Hello, kids. How are you all? So, in the last video, we have discussed that how you can add signature to your mail and how you can reply and forward to a mail. How you can reply to mail and how you can forward to any other person. Then, what is V transfer? So, we have studied about uh, these things in the last video. Now, today we are going to start with the next topic that is managing contacts. See, managing contacts means. यू हैव टेन फ्रेंड्स एंड यू कैन नॉट रिमेंबर देअर ई मेल आई डी बिकॉज एवरी वन ई मेल आई डी डिफरेंट येस सबकी ईमेल आईडी डिफरेंट होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर्स थोड़ा से ज्यादा नंबर्स उसमें रहते हैं सो यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल द ई मेल ऑफ योर फ्रेंड्स सो फॉर देट पर्पज वी हैव वी कैन सेव इट इन बुक उस लिए इसलिए आप क्या कर सकते हो उसको अपनी एड्रेस बुक में जो आपका जी ई अकाउंट है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के एड्रेस बुक में आप जितने भी आपकी फ्रेंड्स की ई मेल आई हैं उनको आप सेव कर सकते हो नाउ लेट इज स्टार्ट विद द एड्रेस बुक हियर वंस वी स्टार्ट यूजिंग ई मेल आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट ग्रोज ग्रेजुअली एंड इट इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू रिमेंबर द ई मेल एड्रेस ऑफ ईच कॉन्टैक्ट मीन्स यू कैन नॉट रिमेंबर द एवरी पर्सन ई मेल एड्रेस आप सबका ई मेल एड्रेस रिमेंबर नहीं रख सकते हो याद नहीं रख सकते हो

योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स एड्रेस एंड ऑल्सो द बर्थडे ऑफ दैट फ्रेंड जो आपका फ्रेंड है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट है पर्सन है उसका आप बर्थ डेज uh, भी रिमेंबर रख सकते हो टू एड अ कॉन्टैक्ट फॉलो दीज स्टेप्स नाउ हाउ विल यू एड अ कॉन्टैक्ट इन योर ई मेल आप अपने ई मेल अकाउंट में कॉन्टेक्ट कैसे ऐड करोगे सो विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स यू विल सी सो लेट एस मूव टू द स्क्रीन नाउ एज यू कैन सी आई हैड ओपन माई अकाउंट ऑन द स्क्रीन आप देखो मैंने अपना जी मेल अकाउंट अपनी अपनी स्क्रीन पर ओपन किया है नाउ फ्रॉम वेयर यू विल क्लिक दैट ऑप्शन गूगल गूगल ऐप आइकन सी दिस वन इज योअर गूगल ऐप आईकन सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकन सी दिस वन इज योर गूगल ऐप आइकन सो यू हैव टू फर्स्ट क्लिक ऑन द गूगल ऐप आइकन डन हैव गॉट सो मेनी गूगल एप्स आप देखो पे आपके आपको बहुत सारे गूगल एप्स मिल गए नाउ फ्रॉम दीज गूगलटैक्टेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना हैज बीन अपीयर ऑन द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉन्टैक्ट प्रिव्यू विंडो ओके

एंड यू विल फाइंड अ विंडो हैज़ ओपन ऑन योर स्क्रीन आप देखोगे कि एक एड कॉन्टैक्ट इन्फॉमेशन आपकी विंडो के ऊपर ओपन हो गया है ना हीयर यू हैव टू राइट द फर्स्ट नेम ऑफ देट पर्सन देन लास्ट नेम देन इफ इट इज योर इफ इट ही इज़ वर्किंग इन अ कंपनी देन वॉट इज इज़ जॉब टाइटल देन वॉट इज इज ई मेल एड्रेस उसका जो ई मेल आई डी है वो आप लिखोगे देन हीयर यू विल टाइप द मोबाइल नंबर okay, suppose this is mine only. next. now the last column you can see here, it is written notes and below that notes, it is written show more. so let's click on the show more. see, when you click on the show more option, you will find these areas has been enlarged. Ye areas or zada lambi oge means you have to enter the specific details here. suppose your friend's phonetic name, then your फ्रेंड्स निक नेम आप अपने फ्रेंड का जिसका भी आप नाम यहाँ पे सेव कर रहे हो आप उसका निक नेम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो देन द जॉब सी कंपनी आई हैड रिटन द स्कूल नेम हियर देन जॉब टाइटल इन विच डिपार्टमेंट ही इज वर्किंग देन ई मेल एड्रेस एंड फोन नंबर एंड बिलो द फ़ोन नंबर यू विल फाइंड द स्ट्रीट एड्रेस आप देखो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस सिटी पिन कोड स्टेट देन बॉक्स नंबर नेक्स्ट इज बर्थडे बर्थडे भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो देन इवेंट एनी स्पेशल इवेंट इज देयर सपोज मैरिज एनिवर्सरी है या फिर और कुछ है तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो देन वेबसाइट रिलेशनशिप ही इज़ योर फ्रेंड और ही इज़ योर कलीग फ्रॉम योर फ्रॉम योर बिजनेस आपके बिजनेस में कोई आपके साथ काम करता है तो आप वो डाल सकते हो यहाँ पे देन चैट इंटरनेट सो मेनी थिंग थिंग्स यू कैन ऐड हीयर सो दिस इज़ द कॉन्टैक्ट लिस्ट नाउ आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स यू कैन इवन एड हिज फोटोग्राफ हिऑल सो आप यहां पर उसकी फोटोग्राफ भी एड कर सकते हो देन क्लिक ऑन द सेव बटन योर कॉन्टेक्ट विल बी सेव इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका कॉन्टैक्ट सेव हो जाएगा क्लियर नेक्स्ट इज हाउ टू मेक ग्रुप्स सी वी कैन क्रिएट ग्रुप्स वेर इन वी कैन क्लब एंड स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रुप की हेल्प से आप जैसे सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट एक जगह पे प्लेस कर सकते हो लाइक like, यू मस्ट हैव क्रिएटेड योर वाट्सए ग्रुप्स आपने अपनी फैमिली का वाट्स ग्रुप क्रिएट किया होगा देन यूर स्कूल वाट्सएप ग्रुप इज देर देन ऑल्सो योर फ्रेंड्स वाट्सएप ग्रुप आपकी जो फ्रेंड्स के साथ चिलिंग वाली वाट्सएप ग्रुप होती है दैट व्हाट्सएप ग्रुप यू ऑल्सो यू हैव मेड सो दीज आर द डिफरेंट वाट्सएप ग्रुप यू हैव मेड सेम हैपन्स यल्सो आप यहाँ पर भी डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो लाइक सपोज सम स्कूल फ्रेंड्स ई मेल आई डी यू हैव आपके बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हैं जिनकी ई मेल आई डी आपके पास होगी सो यू कैन सेव इट एज द स्कूल फ्रेंड्स देन फैमिली फैमिली मेम्बर्स में आपको ई मेल आई डी आपके पास होगी तो आप मम्मी पापा का नाम ऐसे करके फैमिली उसमें ग्रुपिंग का मीन्स नेम ऑफ द ग्रुप यू कैन कीप इट एज़ फैमिली आप फैमिल लिख के वहाँ पर आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका आप ई मेल आई डी सेव कर सकते हो दैन इफ़ यू आर वर्किंग इन एनी अदर प्लेस आप कहीं और वर्क कर रहे हो या फिर अगर सपोज आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हो म्यूज़िक क्लास ले रहे हो तो आप वहाँ के भी फ्रेंड्स का म्यूज़िक क्लास लिख के वहाँ पर भी आप एक ग्रुप बना सकते हो एंड यू कैन एड द ई मेल आई डीज ऑफ दोज़ पीपल्स बट हाउ विल यू मेक दिस ग्रुप आप एक ग्रुप बनाओगे कैसे सो लेट मी शो इट टू यू सी वी हैव ऑलरेडी ओपन द कॉन्टेक्ट रिव्यू विंडो हमने कॉन्टैक्ट रिव्यू विंडो ऑलरेडी ओपन करके रखा है सो यू हैव टू फर्स्ट ओपन द कॉन्टेक्ट रिव्यू विंडो नाउ हाउ विल यू ओपन इट लेट मी टेक यू बैक एंड देन एक्सप्लेन टू यू अगेन सी सपोज दिस वन इज योर दिस वन इज योर ई मेल आई डी ये आपकी ई मेल आई डी है नाव इन योर ई मेल आई डी यू हैव टू क्लिक ऑन दिस गूगल ऐप ऑप्शन ना फ्रॉम गूगल ऐप यू विल क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट ऑप्शन कॉन्टैक्ट प्रिव्यू विंडो विल अपेयर ऑन योर स्क्रीन नाव फ्राम येयर यू हैव टू चूज कैन यू सी दिस थिंग्स लेबल्स एंड क्रिएट लेबल येस आपको ये दिख रहा होगा लेबल्स एंड क्रिएट लेबल्स सी इन दिस लेबल ऑप्शन ओनली योर क्रिएट लेबल ऑप्शन इज प्रेजेंट ये लेबल के अंदर ही आपका ये क्रिएट लेबल ऑप्शन प्रेजेंट है सी न यू हाइड इट जब आप इसको हाइड करोगे क्रिएट लेबल ऑप्शन हाइड हो जाएगा सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस क्रिएट लेबल ऑप्शन जस्ट क्लिक ऑन इट सी क्रिएट लेबल लेबल विंडो हैज अपियर ऑन यूर स्क्रीन वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ग्रुप विच यू आर मेकिंग सपोज आई आई वॉन्ट टू राइट फैमिली सो आई विल राइट योर फैमिली एंड जस्ट क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन सी वन ग्रुप हैज ऑलरेडी क्रिएटेड दैट इज फैमिली लाइक दिस यू कैन क्रिएट डिफरेंट ग्रुप की हेल्प से यहां पर डिफरेंट ग्रुप बना सकते होन सेव सो वन मोर ग्रुप आई हैड क्रिएटेड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स नाउ हियर यू कैन एड दियर यू कैन एड ऑल द डिटेल्स ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स आपकी फैमिली की, family की जितने भी ईमेल आईडीज हैं एंड जो भी आपकी इनिशियल डिटेल्स है वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हो देन योर फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स के जितने भी ईमेल आईडीज हैं और इनिशियल डिटेल्स हैं यू कैन सेव इट हियर सो नाउ व्हेन योर ग्रुप इज़ क्रिएटेड जब आपका ग्रुप क्रिएट हो गया एंड योर इनिशियल्स आर ऑल्सो एडेड आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का इनिशियल्स भी एड हो गया डिटेल्स भी एड होगी सो यू कैन सिंपली सेंड द मैसेजेस टू हुम एवर यू वॉन्ट टू फॉर्वर्ड जिसको भी आपको मैसेज फॉर्वर्ड करना है यू कैन राइट अ सिंपल मैसेज एंड फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड यू कैन ऑलसो फॉरमेटेड सॉरी फॉरवर्ड इट टू यूर फैमिली ऑल्सो आप अपने फ्रेंड और फैमिली दोनों को एक साथ फॉर्वर्ड for, कर सकते हो द सेम मैसेज क्लियर सो इट इज़ ईजी नाउ द लास्ट थिंग इज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज लॉग आउट एंड साइन आउट नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ लॉग आउट एंड साइन आउट सी वैन वी हैव ओपन द जी मेल अकाउंट जब हमने ओपन किया था तो हम साइन इन करते हैं साइन इन मतलब आप उसके अंदर जो आपका अकाउंट uh, है आप उसके अंदर एंटर कर रहे हो सो दैट इज दैट टर्म इज़ नोन एज योर साइन इन एंड वेन यू हैव कम्पलीटेड योर वर्क जब आपने अपना सी ई मेल्स चेक कर लिया यू हैव रेड योर ई मेल्स यू हैव सेंड ऑल द ई मेल्स जितने भी ई मेल्स आपको सेंड करने थे आपने वो सारी चीज़ें कर ली नाउ यू वॉन्ट टू क्लोज इट आपको आपका जो अकाउंट है वो क्लोज करना है सो फॉर क्लोजिंग योर अकाउंट दैट थिंग इज़ नोन एज योर साइन आउट मीन्स साइन आउट मीन्स ये होता है कि आप सपोज आपने अपने लैपटॉप में ओपन किया है सो इफ़ एनी अदर पर्सन इज ओपनिंग योर लैपटॉप ही वॉन्ट बी एबल टू सी योर अकाउंट वो आपका अकाउंट ना देख पाए इसलिए हम साइन आउट करते हैं अदरवाइज ई मेल अकाउंट तो आपके इसमें ओपन ही रहेगा लैपटॉप में एनी पर्सन कैन ओपन इट एंड सी इट सो फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी वी आर साइनिंग इन एंड वी आर साइनिंग आउट फ्रॉम द सेम ऐप ओके ना हाउ विल यू साइन आउट आप कैसे साइन आउट करोगे सी दिस ऑप्शन यर यू विल सी आप देखो यहाँ पे दिस ऑप्शन वेन यू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन यू विल फाइंड बॉक्स हैज हियर आप देखो यहाँ पर एक बॉक्स फाइन ओपन हो गया है नाउ वन ऑप्शन इज गिवन हियर साइन आउट जस्ट क्लिक ऑन दैट साइन आउट ऑप्शन एंड योर अकाउंट विल बी क्लोज फ्रॉम द स्क्रीन सी आई हैड साइन आउट फ्रॉम माई अकाउंट सो नाउ क्लियर

So today we have completed your chapter, chapter number ten. Some little things were there, like uh, who is the founder, founder's name. That we will complete it when we will uh, do the revision work. When we revision, we will learn the founders' name at that time. And please complete the exercise and learn all the full forms which are there in your book. This chapter. This much for today. Thank you.